हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी सेफ होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। हम लोग पॉलिनोमियल को बीच में रोक दिए थे, उसमें से अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे लास्ट में, लास्ट क्लास में हम लोग देखा था पॉलिनोमियल के ग्राफ्स देख रहे थे, है ना। जिसमें से हमने क्या पढ़ लिया था, जिसमें से हमने देख लिया था लीनियर ग्राफ कैसा होता है, लीनियर पॉलिनोमियल का, और हम लोग देख रहे थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ग्राफ कैसा होता है, जिसमें से हमने दो केस देख लिए थे, केस वन एंड केस टू, ठीक है। वो हमारा एक और थोड़ा सा पोर्शन बाकी है, तो क्या करते हैं उसको पहले कंप्लीट कर देते हैं ताकि ये चैप्टर हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो इसको हम दो क्लासेस में कंप्लीट कर देंगे तो हमारा पॉलिनोमियल पूरी तरह से ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज जो देखेंगे वो देखेंगे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का केस थर्ड, कि इसका ग्राफ कैसा होगा, और आज हम क्वाड्रेटिक ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो आपको मैं लास्ट में समरी भी बता दूंगा कि हमने अभी तक क्या पढ़ लिया, ताकि आपको जो भी थोड़ा बहुत डाउट हो वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो देखते हैं आज की क्लास में पॉलिनोमियल, दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए स्टूडेंट्स, जो आज हम देखने वाले हैं वो है हमारा केस थर्ड देखते हैं, ठीक है, इसका ग्राफ कैसा बनेगा। तो इसको समझने के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं हम, और उस क्वेश्चन के हेल्प से हम लोग समझते हैं कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक है। हमारा क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है और हमें देखना है कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक। सबसे पहले इसको आपको देखना है कि ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है कि नहीं है। तो हाँ है, क्योंकि ये हमारे एक्स स्क्वायर, यदि आप इसको कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से, क्या होता है हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन, होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज आवर स्टैंडर्ड इक्वेशन। कंपेयर करेंगे तो कंपेयर हो जाएगा, ठीक। इसमें से हमें क्या क्या, इससे हमें रिजल्ट मिलेंगे, इससे हमें रिजल्ट मिलेगा, ए की वैल्यू मिलेगी, ए इक्वल्स टू वन है, ए इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है, वन है, ठीक। बी इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे, बी एक्स, तो बी एक्स, बी क्या है इसका माइनस सिक्स है, एंड वॉट इज सी, सी इज कॉन्स्टेंट प्लस नाइन, ठीक। ये हमें ए बी की वैल्यू मिल गई है, ठीक। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि हमें सबसे पहले, क्योंकि हम क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं तो एक्स स्क्वायर कोफिशियंट देखेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशियंट क्या है, वन है, एंड वन इज पॉजिटिव वन। पॉजिटिव वन का क्या मतलब है, पॉजिटिव वन जो है इसका मतलब होता है हमारा जो ग्राफ बनेगा वो अपवर्ड ग्राफ बनेगा, ऐसा बनेगा, हमेशा कैसा बनेगा, अपवर्ड बनेगा, ठीक। तो एक तो हमें यहीं से पता चल गया कि हमारा जो ग्राफ बनने वाला है वो बनेगा अपवर्ड पैराबोला, ठीक है, इतना समझ में आया आपको। देन अब क्या करेंगे हम, डी की वैल्यू निकालते हैं, व्हाट इज डी। देखिए ग्राफ का जो ये पैराबोला बनता है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट, डी, डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, मैंने लास्ट क्लास में ही आपको बताया था, यदि आपको रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, नहीं याद आ रहा है, तो आपको प्लेलिस्ट में पूरी क्लासेस मिल जाएंगी, आप सीक्वेंस में देखिए, ठीक है, तो चीज़ें समझ में आएंगी, नहीं तो आपको थोड़ा सा हो सकता हो समझ में नहीं आए, तो एक बार आप देख लेंगे उनमें। देखिए मैंने आपको बताया था डी की वैल्यू जीरो से ज़्यादा है, डी की वैल्यू जीरो से ज़्यादा आती है यदि, ठीक है, तो हमारा जो पैराबोला कट करता है वो एक्स को टू पॉइंट्स में कट करता है, एक्स एक्सिस को, ठीक है। इफ़ डी इक्वल्स टू जीरो आ जाता है, अब देखते हैं इसमें कितना आता है, क्योंकि ये हम जो पढ़ रहे हैं केस, इसमें डी इक्वल्स टू जीरो ही आएगा। यदि डी जीरो आता है तो हमारा, यदि मान लीजिए एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो हमारा जो होगा वो एक्स एक्सिस को टच करके चला जाएगा ऊपर से, ठीक है। और यदि डी लेस देन जीरो आता है हमारा, ठीक है, तो जो हमारा पैराबोला होगा जो ये ऊपर से ही गुजर जाएगा, ना एक्स को टच करेगा, ठीक है, और ऊपर से मतलब कट नहीं करेगा एक्स को, ठीक। इक्वल्स टू जीरो, लेस देन मतलब निगेटिव आ जाए, डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाए, निगेटिव आ जाए। पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं हम यहाँ से, तो क्या है बी स्क्वायर, वॉट इज बी, माइनस सिक्स का स्क्वायर दैट इज 36, माइनस फोर इंटू ए, वॉट इज ए, वन इंटू सी, वॉट इज सी, नाइन। इतना समझ में आ रहा है आपको, 36 माइनस नाइन फोर जा 36, कितना आ गया हमारा जीरो। डी इक्वल्स टू जीरो, डी इक्वल्स टू जीरो का मतलब क्या, मैंने बताया कि हमारा जो बनेगा अपवर्ड तो बनेगा, लेकिन जैसे लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे कि यहाँ पे क्या होता है, एक्स एक्सिस को टू पॉइंट्स पे कट करता है, यहाँ पे एक ही पॉइंट पे कट करेगा, और एक पॉइंट पे कट करने का मतलब क्या है, एक पॉइंट पे कट करने का मतलब, वन पॉइंट पे कट करने का मतलब ये है, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो आंसर तो दो आएंगे लेकिन सेम सेम आएंगे, यानी जो इसके रूट आएंगे दोनों क्या आएंगे, सेम आएंगे, क्या आएंगे, सेम आएंगे। करके देखते हैं इसको, इसको फैक्टराइज करते हैं, ठीक है।
तो क्या है हमारा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन, नाइन को फैक्टराइज करेंगे आप, ठीक है, थ्री थ्री जा नाइन, तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ थ्री एक्स माइनस ऑफ थ्री एक्स, इनको करेंगे तो माइनस थ्री माइनस सिक्स आ जाएगा, थ्री थ्री जा माइनस माइनस प्लस नाइन आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे करेंगे इसको तो आएगा यहाँ से क्या कॉमन है एक्स कॉमन है, यहाँ से एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस थ्री आएगा, यहाँ पे क्या लेंगे माइनस थ्री कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी आएगा एक्स माइनस थ्री, दोनों में क्या कॉमन है एक्स माइनस थ्री एंड इसमें भी क्या आएगा एक्स माइनस थ्री, ठीक। तो इसको क्या लिख सकते हैं मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स हमारा कितना आ गया है एफ ऑफ एक्स आ गया एक्स माइनस थ्री एंड आल्सो एक्स माइनस थ्री, ठीक है। तो क्या मतलब इसका, अब इसको यदि हमारे जीरो हैं तो इसको इक्वल्स टू जीरो कर दो आप, तो एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो करेंगे तो एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया थ्री आ गया, कितना आया थ्री आ गया। सिमिलरली इसको भी करेंगे जीरो तो यहाँ से भी क्या आएगा एक्स इक्वल्स टू थ्री आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से हमें जीरो पता चला मतलब एक पॉइंट पे कट होगा, जो हमारा बनेगा वो एक्चुअल में कैसा बनेगा अभी मैं बना के बताऊंगा, अभी आप समझिए बस, हमारा जो कट होगा वो यहाँ से थ्री से ही कट होगा और नीचे नहीं जाएगा पैराबोला, हमारा ऐसा ही पैराबोला बन जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या होगा हमारा, क्योंकि एक ही पॉइंट पे कट हो रहा है, तो कहने का मतलब है जो एक्स इक्वल टू रूट तो दो आएंगे, क्यों आएंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक है, लेकिन दोनों सेम आएंगे, दोनों क्या है प्रीवियस क्वेश्चन में मतलब प्रीवियस वाले में क्या हमने देखा था उसमें कि उसमें क्या होता था दो जगह से कट होता था, लास्ट क्लास में जो हमने देखा था आप उसको देखेंगे ऐसे कट होता था, ठीक है, यानी एक्स को दो एक्सिस दो एक्स एक्सिस को दो जगह कट होता था, यानी टू डिफरेंट रूट आते थे, क्या आते थे टू डिफरेंट रूट, यहाँ पे क्या हो रहा है टच कर रहा है सिर्फ, तो रूट क्या आएंगे सेम आएंगे, क्या आएंगे रूट सेम आएंगे, होप इतना समझ में आ गया हो आपको ना। तो कंफर्म हो गया कि ये d इक्वल टू जीरो आ रहा है, d इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है कि ये सिर्फ टच करेगा, क्या करेगा टच करेगा, कहाँ पे टच करेगा x इक्वल टू थ्री, क्योंकि ये x के टर्म्स में है, क्या है x के टर्म्स में है, तो हमारा जो होगा कोऑर्डिनेट जो आएगा वो क्या आएगा थ्री जीरो, क्या आएगा थ्री जीरो, क्योंकि x एक्सिस में कट होता है तो x एक्सिस में थ्री जीरो होगा, तो ये हमारे x थ्री है और जीरो यहीं पे होगा मतलब थ्री जीरो ये हमारा कोऑर्डिनेट होगा, तो यहाँ से कट करेगा, ठीक है। तो पैराबोला हमारा ऐसा मूव होगा, कैसा होगा ऐसा मूव, ठीक, इतना समझ में आया। अब ये x को कट करेगा ये y के साथ ऐसे घूमेगा, कैसा घूमेगा उसको आप छोड़ देंगे, ठीक है। तो हमारा ये पैराबोला कैसा बनेगा, ये पैराबोला हमारा कुछ इस टाइप का बनेगा, ठीक है, दिस इज आवर पैराबोला। अब ये वाई पे कट करेगा नहीं करेगा या फिर सिर्फ ये ऐसा बनना चाहिए, सपोज करिए ये ऐसा है तो क्या हमारा सिर्फ ऐसा बनना चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट पे बनना चाहिए या फिर दोनों क्वाड्रेंट पे बनना चाहिए, तो वो यदि आपको करना है तो आपको यहाँ पे वैल्यू पुट अप करते जाइए, बहुत सारी वैल्यू आएंगी, फिर ट्रेस करेंगे, क्या करेंगे फिर ट्रेस, तो आपको वो सब वो नहीं समझना है, बस आपको ये समझना है कि ये ऐसा बनेगा, ठीक है। क्या समझ में आ रहा है आपको यहाँ से, आप यहाँ से क्या रिजल्ट निकालेंगे, देखिए आपको ये सब नहीं करना है, मैं आपको ये एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ, आपको क्या समझना है, यदि आपको दिया हुआ है क्या दिया हुआ है पॉलिनोमियल, सबसे पहले देखें क्वाड्रेटिक है, इफ़ कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव देन इट मस्ट बी अपवर्ड पैराबोला, क्या होगा पैराबोला अपवर्ड होगा, ये तो कन्फर्म है, ठीक है। अब अपवर्ड होगा तो क्या एक्स को दो जगह पे कट करेगा, तो उसके लिए हम डी निकालते हैं, क्या करते हैं डी निकालते हैं, डी जीरो आ गया मतलब एक जगह से ही निकल जाएगा पैराबोला, और एक जगह से निकलने का क्या मतलब है क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है तो रूट मस्ट बी टू, लेकिन एक जगह से ही निकल रहा मतलब दोनों सेम रूट होंगे, मतलब हमारे थ्री 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 दोनों क्या है सेम रूट है, मतलब आप थ्री पुट करोगे जीरो होगा, फिर थ्री पुट करो जीरो होगा, यानी सेम सेम होंगे, तो ये होगा, तो ये ऐसा पैराबोला। अब यदि आपको ये दे दे और आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बोले, सपोज कि ग्राफ दिया हुआ है आपको और आइडेंटिफाई करने के लिए बोल रहा है कि मान लो चार ऑप्शन दे दिया आपको और आइडेंटिफाई करिए कैसा पैराबोला ये, तो ये है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पैराबोला, ठीक। हम यहाँ पे देखेंगे क्वाड्रेट ये देखेंगे, ठीक है, कोऑर्डिनेट देखेंगे थ्री जीरो है, इससे हम ये समझ जाएंगे कि एक ही जगह पे कट कर रहा है लेकिन है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब आंसर तो दो आएंगे, मतलब इसके दो आंसर होंगे थ्री एंड थ्री, आई बात समझ में। और अपवर्ड का मतलब क्या है कि इसका कोफिशियंट पॉजिटिव होगा, क्या होगा पॉजिटिव होगा, इधर समझ में आपको, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज केस फोर्थ। देखिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हमारा है केस फोर्थ, ये देखते हैं हम लोग केस
फोर्थ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू है हमारा माइनस फोर एक्स स्क्वायर, माइनस ऑफ फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस वन, प्लस फोर एक्स माइनस वन, दिस इज आवर क्वेश्चन। ठीक है, आपको ये देख के तो समझ में आ गया होगा कि हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है। क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, आप देखेंगे कि यहाँ से मैं इसको कंपेयर करेंगे हम स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल के इक्वेशन से, क्या होता है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, व्हाट इज ए, ए इक्वल्स टू माइनस फोर है, ए इक्वल्स टू कितना है माइनस फोर है, बी इक्वल्स टू कितना है प्लस फोर, व्हाट इज बी, बी इक्वल्स टू प्लस फोर, एंड व्हाट इज सी, दैट इज माइनस ऑफ वन, ये हमारे पास सी की वैल्यू आ गई। ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे जो हमारा वैल्यू है एक्स स्क्वायर कोफिशियंट निगेटिव है, और मैंने क्या बताया था, जब भी हमारे एक्स स्क्वायर कोफिशियंट निगेटिव होगा तो पहला बोला कैसे बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। कैसे बनेगा? डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। सबसे पहले हम क्वाड्रेंट बना लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं और अच्छे से। अब देखिए, इतना तो कन्फर्म हुआ निगेटिव है, यानी जो हमारा पैराबोला बनेगा वो बनेगा डाउनवर्ड पैराबोला। कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा, इस शेप का, क्योंकि निगेटिव है इसलिए। ठीक है, ये समझ में आया। अब डाउनवर्ड तो बनेगा, लेकिन क्या ये एक्स एक्सिस को टच करेगा या फिर दो जगह से, सपोज करिए एक्स ऐसा है, ये तीन कंडीशन हो सकती हैं इसकी, ऐसा, ठीक है, क्या ये ऐसा कट होगा, ऐसा होगा, या फिर क्या ये सिर्फ टच करके घूम जाएगा नीचे से, या फिर ये टच ही नहीं करेगा, क्या कंडीशन होगी? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम डी निकालते हैं। क्या करते हैं? डी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। व्हाट इज डी? डी इज डिस्क्रिमिनेंट। तो डी फाइंड आउट करेंगे, डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ठीक है, डी ही हम क्यों फाइंड कर रहे हैं, आपको ये पूछ सकते हैं ना। देखिए, डी हम इसलिए बार बार फाइंड आउट कर रहे हैं क्योंकि कभी भी कोई पैराबोला होता है, मान लीजिए ये पैराबोला है, तो इसका जो ये टिप होता है ये कहलाता है वर्टेक्स, और इसका कोऑर्डिनेट यदि हमें फाइंड आउट करना है तो इसका कोऑर्डिनेट होता है माइनस बी अपॉन टू ए, ठीक है, माइनस ऑफ डी अपॉन फोर ए, ये होता है हमारे इसका कोऑर्डिनेट। ठीक है, क्या होता है? कोऑर्डिनेट होता है। तो यदि आपको ये कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है तो आपको डी की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो डी तो हम निकाल लेंगे, कोऑर्डिनेट तो निकालेंगे बाद में, पहले देख लेते हैं कि हमारा टच कहाँ पे होगा। ठीक है, कहाँ पे टच होगा? तो टच करने के लिए देखते हैं क्या हो जाएगा, ये डी इक्वल्स टू बी, बी कितना, फोर, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, माइनस फोर इंटू ए, व्हाट इज ए, माइनस ऑफ फोर इंटू सी, व्हाट इज सी, माइनस ऑफ वन, क्या होगा ये सिक्सटीन माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस, तो माइनस आ गया, फोर फोर जा सिक्सटीन, सिक्सटीन वन जा सिक्सटीन, सिक्सटीन माइनस सिक्सटीन दैट इज जीरो, डी कितना आ गया हमारा जीरो। जीरो का मतलब है कि ये वाली कंडीशन हमारी क्या होगी, ये वाली कंडीशन टच करके निकल जाएगा, क्या होगा, टच करके निकल जाएगा। तो टच ये किस जगह पे निकलेगा, वन पे टच करेगा, टू पे करेगा, थ्री पे, फोर पे, फाइव पे, ये करने के लिए या तो आप यहाँ पे डायरेक्ट पुट अप कर दो, इसमें पुट अप कर दो तो निकल आएगा डायरेक्ट, तो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, या फिर इसको फैक्टराइज कर लो, दो आपके पास है, या फिर आप इसको फैक्टराइज कर लो, ठीक है, या फिर आप ये फाइंड आउट कर लो, आई बस में, तो ये मैं इसको फैक्टराइज कर देता हूँ सबसे पहले। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस ऑफ फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस वन, ऐसा है। क्या करते हैं, पहले इस कॉमन ले लीजिए, तो सिंप्लीफाई करते बनेगा अच्छे से, तो माइनस कॉमन लेंगे यदि आप, तो अंदर क्या बचेगा, फोर एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ फोर एक्स प्लस वन, साइन चेंज हो जाएंगे। अब इसको फैक्टराइज करेंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर आएगा, कितना आएगा फोर, फोर को फैक्टराइज करेंगे टू, टू जा फोर, टू और टू बनेगा, तो क्या हो जाएगा ये माइनस ऑफ, बाहर बाहर माइनस है, ये फोर एक्स स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं माइनस फोर एक्स को, माइनस ऑफ टू एक्स माइनस ऑफ टू एक्स, माइनस माइनस फोर एक्स, टू टू जा प्लस फोर बन जाएगा प्लस वन, समझ में आ रहा है इतना। तो ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ, इसको करेंगे तो यहाँ से क्या कॉमन लेंगे आप, यहाँ से टू एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा टू एक्स माइनस वन, यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे माइनस वन, तो टू एक्स माइनस वन ये आएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा टू एक्स टू एक्स, टू एक्स माइनस वन एंड टू एक्स माइनस वन, ये बाहर माइनस है, ये आपका फैक्टराइज हो गया, हो भी ना समझ में आ गया होगा, मैं इधर कर दे रहा हूँ। देखिए, तो क्या आया हमारा एफ ऑफ एक्स आया, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू आ गया है माइनस, देखो टू एक्स माइनस वन, टू एक्स माइनस वन क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर,
मतलब दो वैल्यू आई हैं। इसके यदि हमें जीरो फाइंड आउट करना है, इसको जीरो इक्वल कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ टू एक्स माइनस वन, एक इक्वल्स टू जीरो होगा, एक क्या होगा माइनस ऑफ टू एक्स माइनस ऑफ टू एक्स, एक मिनट सॉरी ए ऐसा ही है ठीक है, टू एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो कर देंगे तो यहाँ से कितने वैल्यू आएंगी, यहाँ से करेंगे तो या माइनस जीरो हो जाएगा, तो टू एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, तो एक्स इक्वल्स टू कितना जाएगा वन अपॉइंट टू, यहाँ से भी एक्स इक्वल्स टू कितना आएगा वन अपॉइंट टू, एक्स की हमारे पास दो वैल्यू आ गई वन अपॉइंट टू वन अपॉइंट टू। कहने का मतलब है देखिए वन अपॉइंट टू का मतलब क्या है, पॉइंट फाइव, क्या है मतलब इसका पॉइंट फाइव, पॉइंट फाइव कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा है ना, यहाँ पर कहीं पर होगा पॉइंट फाइव, तो क्योंकि ये एक्स कोऑर्डिनेट है तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या होगा वन अपॉइंट टू जीरो ये होगा, तो ये कहाँ पे होगा ये वन अपॉइंट टू, वन अपॉइंट टू यहाँ पे होगा मिडिल में ठीक है, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट कितना होगा वन अपॉइंट टू जीरो, ये हमारा कोऑर्डिनेट होगा, मतलब हमारा पैराबोला यहाँ से पास होगा डाउनवर्ड होगा। अब कैसा होगा पास, कैसे कहाँ से जाएगा उससे मतलब नहीं है आपको ठीक है, तो फ्री हैंड से आप यहाँ से ड्रॉ कर देंगे, फ्री हैंड का यूज़ करेंगे और आप इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे, आई भाषा में तो आपका पैराबोला ऐसा बनेगा, दिस इज आवर पैराबोला डाउनवर्ड पैराबोला, यहाँ पे कट कर रहा दैट इज वन बाय टू जीरो होगा ठीक है, दो इसके रूट आएंगे वन बाय टू वन बाय टू ठीक है, डाउनवर्ड क्यों है क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है, समझ में आया आपको। तो ये आपका था केस फोर्थ, इसमें दो और बचे हैं वो देख लेते हैं, देन आपका ये क्वाड्रेटिक पैराबोला का ग्राफ खत्म हो जाएगा ठीक है। तो देखिए केस फिफ्थ देखते हैं, तो नेक्स्ट हमारा है केस फिफ्थ है, केस फिफ्थ है ठीक, क्वेश्चन देखते हैं इस पे क्या है, तो ये क्वेश्चन है हमारा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू गिवन है हमें 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस 5, माइनस ऑफ 4x प्लस 5, क्या समझ में आ रहा है आपको इसको देख के, आपको इसको देख के एक चीज़ तो समझ में आ रही है क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, पहले तो क्वेश्चन क्या देखेंगे क्वाड्रेटिक है ठीक है, क्वाड्रेटिक है पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा, कैसा बनेगा अपवर्ड पैराबोला ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है आप सभी को, मैं बना रहा हूँ अभी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ठीक है, ये हमारा बन गया ठीक। अब इसको सबसे पहले क्या देखते हैं, यहाँ से पहले तो इसको व्हाट इज ए बी एंड सी, हियर ए इक्वल्स टू हमारा है 2, बी इक्वल्स टू है माइनस 4, सी इक्वल्स टू है 5, समझ में नहीं आता तो कंपेयर करने के लिए लिख लेंगे अपने हिसाब से ठीक है। आई वो में पॉजिटिव बनेगा ऐसा बनेगा, तो हमें देखिए अब हमें सबसे पहले पता करना रहता है कि टच करेगा कि नहीं करेगा, डबल जगह से टच करेगा ठीक है, तो सबसे इसके लिए क्या करते हैं हम, उसके लिए हम फाइंड आउट करते हैं डी, व्हाट इज डी बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फाइंड आउट करते हैं डी बी दैट इज माइनस 4 का, माइनस 4 का स्क्वायर 4 जो 16, माइनस 4 इंटू ए व्हाट इज ए 2 ठीक है, इंटू सी 5, इतना समय में आपको आई वो समय में, तो क्या हो जाएगा ये सॉल्व करेंगे तो 16 माइनस 5 टू जो 10, 10 4 जो 40 कितना आएगा ये डी इक्वल्स टू आएगा 40 माइनस 16, 40 में 16 सेपरेट कर देंगे 4, 3 में 1 गए 2, माइनस ऑफ 24, क्या समझ में आता है जीरो से कम है निगेटिव है ना, जीरो से कम ठीक, जीरो से कम का मतलब क्या होता है ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, जीरो से कम का आने का मतलब है निगेटिव आने का मतलब है ये एक्स एक्सिस को कहीं भी टच नहीं करेगा ठीक है, पॉजिटिव है तो अपवर्ड बनेगा, तो 100% पैराबोला हमारा ऐसा बनेगा, आई बात समझ में, अपवर्ड पैराबोला ऐसा बनेगा, इतनी समझ में आई बात ठीक। अब ये क्वाड अब कैसे इसे सपोज करिए ऐसा बनेगा तो ये हमारा वर्टेक्स है, ये पता होना चाहिए कहाँ से मुड़ेगा हमारा, तो कैसे पता करते हैं इसके लिए, तो फैक्टराइज करते हैं, और फैक्टराइज करेंगे तो मैं फैक्टराइज मना कर रहा हूँ करने क्योंकि इसको अभी आप फैक्टराइज करेंगे ना तो ये फैक्टराइज नहीं होगा आपसे ठीक है, इसमें इमेजिनरी रूट आएंगे, क्या आएंगे इमेजिनरी रूट, और वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो आप पढ़ेंगे 11th क्लास में, तो आप फैक्टराइज मत करिए सीधे से निकालिए इसकी क्या बोलते हैं वर्टेक्स बोलते हैं, तो वर्टेक्स की सीधे निकालते हैं हम कोऑर्डिनेट, क्या होता है कोऑर्डिनेट माइनस बी अपॉन 2 है एंड माइनस डी अपॉन 4 है, ये होता है सीधे वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा v का मतलब है v का कोऑर्डिनेट निकाल, इसका कोऑर्डिनेट निकालना इसलिए v लिखा हुआ है ठीक है, माइनस b व्हाट इज माइनस b माइनस एंड माइनस प्लस बन जाएगा तो 4 अपॉन 2 इंटू ए व्हाट इज a 2 ठीक है, d निकाल लिया हमने 0, d कितना है हमारा d आया हमारा माइनस 24, कितना है माइनस 20 माइनस माइनस प्लस 24 अपॉन ठीक है, कितना हो जाएगा ये 4a 4 इंटू ए दैट इज a व्हाट इज a 2, इतना समझ में आया, तो ये आ जाएगा v हमारा 4
अपॉन फोर एंड ये कितना जाएगा 24 अपॉन 4 टू जा 8, ठीक है, ये आ जाएगा 1 4 8 3 जा, ठीक है, तो कितना आएगा वी इक्वल टू आ जाएगा 1 3, यानी जो हमारे ये मूव करेगा कहाँ से मूव करेगा 1 और 3 से, कहाँ होगा 1 एंड 3 से। इतनी बात समझ में आई आपको, तो 1 3 इसमें मार्क करेंगे हम, हमारा क्या है 1 एंड 3, एक्स इक्वस टू 1 वाई इक्वस टू 3, यहाँ पे एक्स 1 है, वाई क्या है, वाई क्या है हमारा 3 है, तो 1 एंड 3, दिस पॉइंट इज 1 एंड 3, क्योंकि यहाँ पे 3 है और ये हमारा क्या है 1 है, दिस इज 1 एंड 3। इतना समझ में आया, मतलब हमारा पैराबोला यहाँ से मूव कर जाएगा, ठीक है। तो कैसे बनेगा पैराबोला हमारा देखेंगे, ये बनेगा हमारा कुछ इस टाइप का, ठीक है, ये हमारा पैराबोला बनेगा, समझ में आया इतना। तो ये हमारा क्या बनेगा पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, टच नहीं कर रहा, देखिए यहाँ से पास हो गया है। कहने का मतलब क्या है कि ये हमारा निगेटिव जब आता है तो एक्स एक्सिस को टच नहीं करता, ठीक है, वाई के पास से घूमेगा नहीं घूमेगा वो आपका इशू नहीं है, बस आप कितना समझिए। इससे आप क्या रिजल्ट निकालेंगे, अपवर्ड यदि पैराबोला बन रहा है इसको देखे क्या समझ में आता है, यदि आपको सिर्फ ये दिया हो ये सब नहीं दिया हो तो क्या समझेंगे अपवर्ड है, मतलब पैराबोला तो सबसे पहले समझें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अपवर्ड बन रहा है मतलब इसका जो कोफिशियंट एक्स स्क्वायर का वो पॉजिटिव होगा, क्या होगा पॉजिटिव होगा, और टच नहीं कर रहा है मतलब इसका क्या होगा डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा, मतलब फैक्टराइज नहीं हो पाएगा, क्या होगा फैक्टराइज नहीं होगा, आई बस समझ में, ठीक है। और इसमें सिर्फ एक्स की क्या है एक ही वैल्यू आ रही है 1, बस क्या आ रही है 1, हो गए समझ गए होंगे आप लोग, क्योंकि हमने जितने भी अभी पढ़ा केस वाई की वैल्यू उसमें नहीं आती है सिर्फ एक्स की वैल्यू आती है, लेकिन इसमें दोनों वैल्यू आ रही है मतलब 100% फैक्टराइज नहीं होगा, इमेजिनरी रूट आएंगे इसमें, आई बस समझ में। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट हमारा केस, दैट इज केस 6। देखिए स्टूडेंट्स ये हमारा केस है 6, दैट इज लास्ट केस, ठीक है, इसको देखते हैं। सबसे पहले तो मैं कोऑर्डिनेट बना देता हूँ, इसके बाद समझाते हैं, ठीक है। देखिए ये हमारा बन गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, इसमें आप सोचेंगे कि मैंने लाइन को बीचों बीच क्यों नहीं ले ऊपर क्यों ले लिया, देखिए क्योंकि ये मेरा जो ग्राफ बनेगा नीचे तरफ बनेगा इसलिए मैंने ऐसा कर लिया है, ऐसा कोई ये नहीं कि आपको ऐसे ही बनाना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो जो हमारा व्हाट इज ए, ए इज -3 बी 2 एंड सी 1, निगेटिव है मतलब कन्फर्म है पैराबोला तो डाउनवर्ड बनेगा, कैसा बनेगा डाउनवर्ड बनेगा, क्वाड्रेटिक है तो पैराबोला बनेगा, ये तो कन्फर्म है, ठीक। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा पैराबोला टच करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं डी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, व्हाट इज डी बी स्क्वायर -4ac, ये होता है डी, क्या होगा बी स्क्वायर, व्हाट इज बी 2 का स्क्वायर 4 -4 इंटू ए, व्हाट इज ए -3, व्हाट इज सी 1, करेंगे सॉल्व इसको तो 4 माइनस माइनस प्लस क्या बनेगा प्लस, तो कितना हो जाएगा 4 3 जा एक मिनट ये हमारा नेगेटिव है ध्यान रखेंगे क्या है नेगेटिव, ठीक है, 4 3 जा 12 एंड -12 कितना आएगा -12, 4 3 जा 12 और माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस यह हमारा आएगा -8 कितना आएगा 8, 0 से कम है क्या है हमारा ये डी लेस देन 0 है, डी लेस देन 0 का मतलब क्या है कि हमारा जो पैराबोला बनेगा वो एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, क्या होगा एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, तो फिर मूव कहाँ से होगा, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, उसके लिए हम फाइंड करते हैं वर्टेक्स, क्या करते हैं फाइंड वर्टेक्स, क्या होता है वर्टेक्स का फॉर्मूला -b, मतलब वर्टेक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला -b अपॉन 2a -d अपॉन 4a, ये हमारा होता है वर्टेक्स का फॉर्मूला, मतलब वर्टेक्स का फॉर्मूले का मतलब क्या है वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला, इतना समझ में आया। वैल्यू पुट अप करेंगे इसमें तो v कितना हो जाएगा -b, व्हाट इज -b -2 अपॉन 2a 2 इंटू ए व्हाट इज -3, ठीक है, -d मतलब 8 तो माइनस माइनस प्लस तो 8 ऊपर आ जाएगा अपॉन 4 इंटू ए 4 इंटू -3, समझ में आ रहा इतना आपको, तो ये आ जाएगा हमारा -2 अपॉन 2 3 जा 6 -6, इसको करेंगे तो 8 अपॉन 4 3 जा 12 -12 ऐसा आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया 2 1 जा 2 3 जा यहाँ पे आएगा 4 2 जा 4 3 जा, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा हमारा वर्टेक्स आएगा, वर्टेक्स आया हमारा 2 1 जा 2 3 जा दैट इज 1 अपॉन 3 एंड यहाँ पे आया है माइनस ऊपर ले जाएंगे तो यह जाएगा -1 अपॉन 3, ये आया क्या मतलब ये दिस इज आवर एक्स
दिस इज आवर वाई, मतलब हमारा जो पैराबोला मूव होगा वो 1-3 और -1-3, इसको डिवाइड करेंगे दोनों को तो क्या होगा, 1 से कम ही आएगा, है ना, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 0 पॉइंट समथिंग का मतलब कहाँ पे होगा, 1/3, तो 1/3 यहाँ पे कहीं पे होगा, ठीक है, और -1/3, ये माइनस है, -1/3 यानी इधर कहीं पे आएगा, यानी यहाँ पे कहीं पे आएगा, ये यहाँ पे आई बस में दोनों ही 1 से कम होंगे, तो एक इधर ये और ये इधर, यहाँ पे आएगा, ये आई बस में यहाँ पे, तो हमारा जो पैराबोला बनेगा वो यहाँ से पास होगा, क्या होगा, ऐसे पास होगा पैराबोला हमारा, तो ये हम इसको यहीं से ड्रॉ कर लेंगे, ये हमारा पैराबोला है, आई बस में दिस इज आवर पैराबोला, ठीक है, तो ये हमारा ऐसा बनेगा, और ये कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, दिस इज आवर 1-3 एंड ये क्या है हमारा कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट हमारा है, ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1-3 -1-3, आई बस में ये हमारा है, तो क्या समझ में आया इसको देख के आपको, यदि ऐसा आपको दिख मिल जाए पेपर में आइडेंटिफाई करिए, पैराबोला है मतलब 100% इक्वेशन कैसा होगा, यानी पॉलीनोमियल कैसा होगा, क्वाड्रेटिक होगा, डाउनवर्ड है मतलब इसका कोफिशियंट क्या होगा, निगेटिव होगा, और टच नहीं कर रहा है मतलब इसका ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, इमेजिनरी रूट आएंगे, क्या आएंगे, इमेजिनरी रूट आएंगे, होप इतना समझ गए होंगे आप लोग, तो ये जो हमारा था ये अभी तक हम लोगों ने जितने 6 केस देखे हैं ये हमने देखे अलग अलग डिफरेंट टाइप के केस, किसके, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के, ठीक है, एक बार मैं समरी सारी बता देता हूँ तुरंत तुरंत क्विक क्विक कि आपने क्या क्या पढ़ लिया है तो आपको ताकि कन्फ्यूजन ना हो, तो एक बार समरी देख लेते हैं सभी का, ठीक है, आइए देखते हैं, केस वन, ठीक, केस वन में हमने क्या क्या देखा, देखिए हमने देखा कि जो हमारा मान लीजिए स्टैंडर्ड इक्वेशन है हमेशा क्या होगा, एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में ही होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मान लीजिए ये है, ठीक, और इसमें यदि देखेंगे पॉजिटिव है, ठीक है, और इसके क्या आएंगे, इसके जो वैल्यू है x की, मान लीजिए इसकी दो वैल्यू हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक है, तो x की मान लो दो डिफरेंट वैल्यूज आ गए, मान लीजिए क्या आ गए, दो डिफरेंट वैल्यू आ गए, मान लीजिए m आया और n आया, m और n, इसकी दो वैल्यू आई, इसको सॉल्व करने से दो वैल्यू आई और ये पॉजिटिव है, तो हमने पढ़ा है कि जो इसका बनेगा, क्या बनेगा, इसका जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा x को दो जगह पे कट करेगा, क्या करेगा, x को दो जगह पे कट करेगा ऐसा, ठीक, पॉजिटिव है तो अपवर्ड बनेगा, ठीक है, इसकी दो वैल्यूज आई हैं मतलब x को ये दो जगह पे कट करेगा और जहाँ पे कट करेगा वही इसके क्या होंगे, जीरो होंगे, आई पास में ये कहाँ से मुड़ता है, इसके लिए कैसे फाइंड आउट करेंगे कहाँ से मुड़ेगा, तो इसके लिए हम फाइंड करते हैं वर्टेक्स का फॉर्मूला, और वर्टेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इसका वर्टेक्स, ये वर्टेक्स है और वर्टेक्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं, -b/2a माइनस ऑफ d/4a से, ठीक है, वॉट इज डी, -b^2, d क्या होता है हमारा b^2 -4ac, ये हमारा d होता है, तो ये हमने पहला केस पढ़ा था, ठीक, सेकंड केस हमने क्या देखा, देखिए सेकंड केस हमने क्या देखा था, जो हमने केस सेकंड देखा था, केस सेकंड उसमें क्या होता है, उसमें ये हमारा निगेटिव हो जाता है, क्या होता है, f ऑफ x ही रहेगा लेकिन यहाँ पे a क्या है हमारा, a ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ये होगा, लेकिन कंडीशन क्या है यहाँ पे, यहाँ पे कंडीशन है ए लेस देन 0 होगा, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे ये मार्क करते हैं, इसका मतलब ए 0 है, ए मतलब निगेटिव है, मतलब निगेटिव है, तो इसका ग्राफ हमने कैसे देखा, इसका ग्राफ हमने देखा ये, और इसका और क्या कंडीशन है, इसकी जो वैल्यू, इसको जो सॉल्व करने से आना चाहिए, मतलब एक्स की जो वैल्यू आएंगी, यानी इसका जो रूट आएगा वो रूट आएगा, इसके दो रूट आएंगे, मान लीजिए इसके रूट हम मान लेते हैं कि दो रूट कुछ भी आ गए, सपोज करिए इसके भी आ गए मान लीजिए एम और एन, दो डिफरेंट रूट आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन निगेटिव है, तो डिफरेंट रूट है निगेटिव है, तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा ऐसा बनेगा, ठीक है, दो जगह पे कट करेगा, और इसको फाइंड आउट करने के लिए मैंने अभी बताया है वर्टेक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, -b/2a एंड -d/4a ऐसा बनेगा, तो ये हमने केस सेकंड देखा था, समझ में दोनों में क्या वैल्यू दो डिफरेंट ही आएंगी, ठीक है ना, सॉल्व करने से, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव है तो अपवर्ड, दो डिफरेंट आएंगे दो जगह पे कट करेगा, निगेटिव तो नीचे की तरफ लेकिन दो जगह पे कट करेगा क्योंकि दो डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं, ये केस वन, केस टू आपने देख लिया, ठीक, नेक्स्ट देखते हैं ना, केस थर्ड देखते हैं, केस थर्ड क्या हमने देखा है, केस
थर्ड और यहाँ पे केस फोर्थ देखते हैं। केस फोर्थ ये क्या हमने देखा, देखिए सपोज कहे हमारे पास पॉलिनॉमियल क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे भी हमारा जो ए है वो ए हमारा पॉजिटिव ही है ठीक, लेकिन यहाँ पे जो हमारा, चलिए इसको बाद में देखते हैं, पॉजिटिव ही है ठीक है। और यहाँ पे लेकिन ध्यान देने वाली बात है, जो हमारी x की जो वैल्यू आएगी यानी इसका जो रूट आएंगे वो दोनों सेम सेम आएंगे। मान लीजिए m आया तो दूसरा भी m ही आएगा, दोनों सेम आए हैं ठीक है। और फर्स्ट वाले मैंने बताया नहीं, फर्स्ट केस में सेकंड केस में दोनों जगह d क्या था, केस वन केस टू में ध्यान रखेंगे d वहाँ पे था ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पे d क्या आएगा, यहाँ पे d इक्वल्स टू आएगा जीरो, क्या आएगा d इक्वल्स टू जीरो। तो इसका जो हमारा ग्राफ बनेगा वो हमेशा ऐसा बनेगा, ये है d इक्वल्स टू पॉजिटिव है तो इसका हमने अभी देखा था कि हमारा ऐसा बनेगा और इसको टच करते हुए यहाँ से मूव हो जाएगा अपवर्ड की तरफ ठीक, ऐसा बनेगा। आई बस समझ में, ये वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये फर्क वर्टेक्स की माइनस बी अपॉन टू ए माइनस ऑफ डी अपॉन फोर ए, इससे पता कर लेंगे यहाँ से ठीक। केस फोर में क्या है, इसमें भी यही होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे क्या होगा ए हमेशा, यहाँ पे भी ए क्या होगा हमारा, ए जीरो से कम होगा मतलब निगेटिव होगा ठीक है। यहाँ पे भी डी हमारा जीरो आएगा ठीक, डी हमेशा क्या आएगा हमारा, यहाँ पे जीरो आएगा। और इसकी जो वैल्यू आएंगी एक्स की, ध्यान रखेंगे यहाँ पे भी क्या आएगा, सेम आएगा ठीक। एक्स की वैल्यू मान लीजिए आगे हमारा एम एंड अगेन एम ठीक, दो सेम सेम आ गए एक्स की ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, ये हमारा ऐसा बनेगा ठीक है, ये मैं मार्क नहीं कर रहा हूँ एक्स वाई बार बार, तो ये हमारा टच करेगा यहीं पे एम एम पे एम, और ये ऐसा बनेगा ठीक, ऐसा ग्राफ बनेगा। समझ में आया दोनों डिफरेंस, ये नीचे की तरफ क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, इसलिए ऊपर की तरफ टच कर रहा है क्योंकि डी इक्वल्स टू जीरो आ रहा है दोनों में, क्या आ रहा है जीरो। तो केस थर्ड केस फोर समझ में आया, लास्ट दो केस और देखते हैं। देखिए लास्ट हमारा क्या था, केस फिफ्थ और लास्ट देखेंगे केस सिक्स्थ। केस फिफ्थ में हमने क्या देखा, यही हमने देखा, फंक्शन है हमारा पॉलिनोमियल हमारा सपोज करिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें भी पॉजिटिव है, ए ग्रेटर देन जीरो है मतलब पॉजिटिव है तो पैराबोला अपवर्ड बनेगा। यहाँ पे हमने निकाला डी जीरो से कम आएगा, डी क्या होगा जीरो से कम आएगा, और जो हमारे एक्स और इसमें क्या होगा इमेजिनरी आएगा, क्या आएगा इमेजिनरी या फिर सॉल्व नहीं होगा जो भी है। तो इसमें कैसे बनेगा हमारा, सपोज करिए ये है ठीक, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये जीरो से कम है तो ये हमारा ग्राफ ऊपर बिना टच किए यही मूव हो जाएगा ऐसा ठीक है। और नेक्स्ट हमारा है इसमें क्या होगा, के सिक्स में एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ठीक है, यहाँ पे ए लेस देन जीरो ठीक, यहाँ पे ए पॉजिटिव है वहाँ पे ए निगेटिव है ठीक है। डी क्या आएगा हमारा, यहाँ पे भी डी क्या आएगा जीरो से कम आएगा और इमेजिनरी ही आएगा। तो इसका जो ग्राफ हमारा बनेगा ठीक है, इसका जो ग्राफ बनेगा हमारा वो बनेगा नीचे की तरफ से ऐसा, इसको टच नहीं करेगा और ये ऐसा हो जाएगा ग्राफ ठीक, ये ऐसा ठीक है। तो ये हमने जो भी छह केस देखे थे 1 to 6, केस 1 केस 2 केस 3 केस 4, ये उन सबकी समरी है ठीक। आपको ग्राफ दिया रहेगा, आपको समझना रहेगा, मैं इसमें इतना फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस बार जो सिलेबस है वो काफ़ी रिड्यूस कर दिया गया है तो इनसे क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं ठीक है। तो आप इनको पढ़ेंगे, क्लासेस लेंदी यदि हैं काफ़ी बड़ी हैं तो आप आराम से घर पे बैठेंगे आराम से पढ़िए, क्योंकि यदि आप बार बार ये सोचेंगे क्लास लंबी है कैसे पढ़ें कैसे पढ़ें तो नहीं हो पाएंगी चीज़ें। और कंटिन्यू में पढ़िए, मतलब ऐसा नहीं कि आप बस इसको पढ़िए, सारी क्लासेस को देखिए तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, अंडरस्टैंडिंग अच्छे से डेवलप हो पाएगी ठीक है। क्लास समझ में आ रही है, यदि कोई डाउट है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में उसको लिखिए और क्वेश्चन पूछिए, मैं उसको रिप्लाई जरूर दूंगा ठीक है। आज यहीं पे रोकते हैं, लास्ट क्लास हम जब देखेंगे वहाँ पे हम देखेंगे क्यूबिक पॉलीनोमियल के क्या होंगे ग्राफ, कैसे बनेंगे उनके ग्राफ, देन हमारी पॉलीनोमियल चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बी हैप्पी सेफ एंड थैंक यू।